उपसभापति जी, आज ये आईएमसी बिल और डेंटिस्ट बिल दोनों के बारे में सभी सदस्यों ने अपने बहुत ही विवेकपूर्ण विचार रखे और कुल मिलाकर के जो हाउस का एक मत ऐसा बना कि वह बिल की कुछ शंकाओं के साथ इस बिल को पारित करना चाहते हैं, इसके स्पिरिट के साथ वो खड़े हैं। जो सभी विचार सबके आए हैं बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं और उन विचारों का समावेश ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने इस बिल में भी करने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो हम समझ लें कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है, एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जाम्स को हम समाप्त करना चाहते हैं। जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई स्टूडेंट देता है तो उसको स्टेट टू स्टेट, कॉलेज टू कॉलेज, कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस और हर समय एक के बाद एक एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जामिनेशंस है उससे उसको बचाने के लिए और एक एग्जाम दे करके अपनी रैंकिंग के माध्यम से वह मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो सके, इस तरीके का प्रयास किया गया है। दूसरा है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम्स। हमारी कोशिश है, हम जानते हैं कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशंस की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां कैपिटेशन फी की बात आती है और जहाँ एडमिशंस में फ्री फेयर एग्जाम्स नहीं कंडक्ट हो पाते हैं। और तीसरी बात है कि नॉन एक्सप्लॉयटिव प्रोसेस, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ना हो। हमारे यहाँ जो अभी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत स्टूडेंट्स का एडमिशन के सिलसिले में एक्सप्लॉयटेशन भी कई किस्म तरीके से होता है, खास करके वो कैपिटेशन फीस के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सारी चीज़ों को पारदर्शी करते हुए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जामिनेशन ना हो, इसके साथ साथ फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बिल को लाया गया है। यह बात जरूर है कि ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पश्चात कुछ विषय ऐसे आए थे जिसके कारण ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि सरकार की मंशा, द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग नीट वॉज देयर बिकॉज इट वॉज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट दैट वी शुड हैव अ नीट एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डेंटल एग्जामिनेशन ऑल्सो, डेंटिस्ट के लिए भी होना चाहिए। और इसी इंटेंशन को ला करके जब हम लोगों ने, जब सरकार ने इस नोटिफिकेशन को रखा था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश किया था। तो सुप्रीम कोर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हैड इंटरवीन्ड, बट द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज देयर to bring the NEET. It is not that the Supreme Court has brought the NEET. It is the government which has brought the NEET. It was quashed by the Supreme Court and later on the review petition, it was again reconsidered. Aur reconsideration ke saath Supreme Court ne ye kaha ki hum aapka status jo purana tha notification ka usko bahal karte hain. We remove the orders of quashing jo humne kiya tha, wo hum usko withdraw karte hain. यानी वह स्टेटस फिर से आपको बहाल करते हैं, द स्टेटस ऑफ स्टार्टिंग द नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट। अब जब नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट की बातचीत आई और हम लोगों ने उस कार्य को शुरू किया, उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में कोई और भी पीआईएल लग गई जिसमें उन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए। उन इश्यूज का जवाब देते देते एक ऐसा समय आ गया जब हमारा ऑल इंडिया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट दैट इज ऑन 1 मई जो होना था उसकी डेट आ गई। तो जो प्रोनाउंसमेंट, फाइनल प्रोनाउंसमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, वो फाइनल प्रोनाउंसमेंट ये थी कि AIPMT, द ऑल इंडिया प्रिलिमिनरी टेस्ट विच वॉज हेल्ड ऑन 1 इज नीट फेज 1 एंड ऑन 24 जुलाई यू विल हैव नीट फेज 2 एंड ऑन 17 अगस्त यू विल डिक्लेयर द रिजल्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल अनाउंसमेंट आया। इस फाइनल अनाउंसमेंट के बाद, जैसा कि प्रेमचंद जी ने भी कहा कि
उस समय पार्लियामेंट हाउस सेशन समाप्त हो रहा था तो वी कुड हैव एक्सटेंडेड एंड गॉन फॉर इट, लेकिन हुआ क्या कि पार्लियामेंट समाप्त हो चुकी थी जब रिप्रेजेंटेशंस आने शुरू हुए एंड रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक के तरफ से रिप्रेजेंटेशंस आने लगे। जो रिप्रेजेंटेशंस आए उसके तीन कंसर्न्स थे। नंबर वन कंसर्न वॉज कि अब हमको जो पीएमटी हम नीट देंगे सो वी विल हैव टू अपियर ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी विच वी कांट डू। दूसरा कंसर्न था पैरिटी ऑफ लैंग्वेज और तीसरा कंसर्न था ऑन गोइंग टेस्ट कि हमारे टेस्ट शुरू हो गए हैं, हम लोगों ने फॉर्म भर दिया है, अब हमारा टेस्ट होना है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, हमने अपने आप को उसके लिए पूरा तैयार कर लिया है। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट से आई। थ्री इश्यूज में दे लैंग्वेज, सिलेबस एंड ऑन गोइंग टेस्ट, जो टेस्ट शुरू हो गए हैं उनका क्या होगा। हम लोगों ने हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई, हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की, उनका कंसर्न इन तीनों बातों पर था और सभी हेल्थ मिनिस्टर्स का यह कंसर्न था कि नीट शुड कंटिन्यू, नीट को लागू करना चाहिए। इन लेटर एंड स्पिरिट वी आर विथ नीट बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी विल नॉट बी एबल टू गो फॉरवर्ड बिकॉज आवर स्टूडेंट्स हैव गॉट नो टाइम लेफ्ट। ऑलरेडी नीट फेज वन हो चुका है और नीट फेज टू की डेट आ चुकी है, अब एक डेढ़ महीने के अंदर विद इन पीरियड ऑफ वन एंड हाफ मंथ्स व्हाट आर वी गोइंग टू डू, व्हाट वी कैन डू, इसलिए हमको इसके बारे में विचार करना चाहिए। वी ऑल्सो कॉल्ड द मीटिंग ऑफ ऑल पार्टी मीटिंग। इन ऑल पार्टी मीटिंग ऑल्सो इट वॉज डिसाइडेड दैट नीट इन प्रिंसिपल वी एग्री बट इट इज प्रूडेंट टू सी टू इट दैट अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जिसके लिए टाइम नहीं रह गया है, सो इट इज प्रूडेंट that for this undergraduate examination we should ask that the old system should continue, iske liye humko usme provision karna chahiye। jab ye baat aayi sabke taraf se to fir government ne is baat ko dhyan mein rakhte hue ordinance lane ka tay kiya aur wo ordinance mein jahan hum constitutional status de rahe hain neet ko wahi sirf hum ye keh rahe hain ki for the period of undergraduate examination for 16 session of 16-17 the old systems can be adopted by the states, they can adopt the old systems for the states। aur aage chal karke post graduation ka bhi jo december mein hona hai that will be held under neet examination। to ye kul milakar ke iska jo legal aspect hai wo itna hi hai ki we give a constitutional status to the neet examination for MBBS seat and for dental seats, but at the same time we also see to it that under graduate examination of 2016-17 session can continue in the old system where and the ongoing test jo state governments ke hain wo de sakte hain, wo uske liye opt kar sakte hain jo unko opt karna hai। ye opt karne ke paschat lagbhag 16 states aise hain jinhone state examination ko opt kiya aur ऐसे ही लगभग 15 स्टेट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने नीट फॉलो कर लिया और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें से कुछ ने नीट फॉलो किया, कुछ ने स्टेट एग्जामिनेशन फॉलो किया। तो ये हम लोगों ने एक प्रोविजन दिया जिस प्रोविजियों के तहत उनको ये लाभ मिल सका और वो एग्जामिनेशन दे सके, उसको वो पूरा कर सके। अब जो कुछ भ्रम है वो थोड़ा सा मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा। एक तो जो ऑल इंडिया कोटा है 15% का, वो दैट ऑल इंडिया कोटा इज बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन ए प्रदीप जैन केस वेयर पैन इंडिया स्टूडेंट्स होने चाहिए और जिसके बारे में मेहताब जी भी कह रहे थे कि दे हैव स्टूडेंट्स इन उड़ीसा फ्रॉम केरला फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस, सो दैट 15% स्टैंड्स एज इट इज। जो स्टेट कोटा है इट रिमेन्स 85% एज द स्टेट कोटा इज, दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड, दैट विल रिमेन विद द स्टेट। What we are going to do, what the NEET is going to do is that we will write out the name of the candidate, successful candidate, the name, the domicile, that is to which state he belongs, the rank, the All India rank of his, and the percentile. These things will be narrated and that will be sent to that respective states. Now in that respective states, according to caste, creed, color,
So caste, sorry. Caste, creed and backwardness and other aspects, उस पर आप डिसाइड कीजिए आपका रिजर्वेशन कोटा क्या होगा, सब्जेक्ट टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द अदर प्रोविजंस बीइंग गिवन, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना रिजर्वेशन कोटा आप अपने आप तय कीजिए और उसके अनुसार आप उसको दे सकते हैं। अब जैसे तमिलनाडु का विषय आया, तो तमिलनाडु इज गेटिंग द बेनिफिट बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, अदरवाइज दिस नीट वुड हैव बीन इनफोर्स, नंबर वन। नंबर टू, वी आर नॉट गोइंग टू टच द स्टेट कोटा, द तमिलनाडु स्टूडेंट्स विल बी कॉम्पीटिंग अमंग देमसेल्स इन तमिलनाडु ओनली, वी विल बी सबमिटिंग ऑल द डोमिसाइल ऑफ रैंकिंग ऑफ तमिलनाडु स्टूडेंट्स टू तमिलनाडु ओनली, and they will be taking care of their places and ranking and counseling will take place in Tamil Nadu itself. So we should be very clear, usme koi dikkat ki baat nahi hai. Ab ek baat hai, wo hai standardization of syllabus. Wo standardization of syllabus ke liye jo hum ek to thodi si main clarity kar dun ki MCI exam nahi le rahi hai, undergraduate ka examination hamare CBSE ले रही है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ले रहा है। देर इज नो MCI टेकिंग द एग्जामिनेशन, इट इज दिस CBSE विच इज टेकिंग द अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। और उसमें भी जो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस है वो ये है कि करिकुलम एंड सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th फॉर्मुलेटेड बाय NCERT, नेशनल करिकुलम, अंडर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो ये सिलेबस है उसी सिलेबस को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑल बोर्ड्स इन द कंट्री एंड सेंट्रल बोर्ड्स एंड स्टेट बोर्ड्स एडॉप्ट सिलेबस फ्रॉम NCERT इटसेल्फ। तो हम इसको कंसिडरेशन में रख रहे हैं, NCERT हमारा फॉर्मुलेशन जो हुआ है उस फॉर्मुलेशन के तहत उनका सिलेबस बनेगा, उस सिलेबस में वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दी जो जो ये डिफरेंस है, जो गैप है, उसको हम कवर करेंगे और हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिलेबस करेंगे सो दैट द स्टूडेंट्स ऑफ द रूरल बैकग्राउंड ऑल्सो आर टेकिंग केयर ऑफ इट, पीपल हु आर टेकिंग 10+2 और मेट्रिकुलेशन दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ इट, एंड एट द सेम टाइम जो हम अर्बन और रूरल का जो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं उसको आप रिजर्वेशन से पूरा कर सकते हैं। यू कैन गिव देम बोनस मार्क्स, people coming from rural area, if you want to give them 2 marks, you can do it, it is up to you. You can give them bonus marks, you can fill the gap. We are only going to rank the students and we are going to give the set of the students to the respective states. This is the clarity which I would like to give to you, jo hum aapko batana chahte hain. Jahan tak fees ka sawal hai, ek baat main bata dun ki ye jo private institutions hain, they will not get the benefit of this 2016-17. They will come under NEET. This should be very clear, loud and clear. और जो आप करप्शन की बात कर रहे थे वो करप्शन यहां से शुरू होता है, इसलिए हमने उसको बिल्कुल, we have not given them that permission. They will be appearing in deemed university, private colleges, board, ये जितने भी हैं, they all will come under NEET. Their examination will be conducted by NEET. That is what I would like to say. जहां तक fee structure का सवाल है, there is a committee by the respective states headed by judges and they decide about the fee structure, about the private medical colleges. Government medical colleges we do it, but the fee structure के बारे में जो बातचीत की गई वो government medical colleges, इसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से languages की बात आपने की, languages में what we have done, that we have written letters to respective states that give us a detailed report of the last 3 years, the students who have given the examination under which language they have given opted for examination, and all those examination ko hum dekh karke, hum dhyan mein lekar ke, hum jo regional language hoga usme hum unki vyavastha karenge ki unka examination hum usi mein le. So language is not going to be a problem. That is what I would like to say. Ye jo aapne kaha ki koi 5 राज्यों के लिए दे दिया और उसके लिए नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये इस तरीके का कुछ नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को लिखा है कि आप पिछले 3 साल में जो आपका स्टेट बोर्ड था
जो एग्जाम्स लेता था उसने कितने स्टूडेंट्स का एग्जाम्स लिया है, कितने मराठी में उत्तीर्ण हुए, कितने मलयालम में हुए, कितने तेलुगु में हुए, कितने कन्नड़ में हुए, और उसके अनुसार वी आर गोइंग टू डिसाइड एंड वी आर गोइंग टू सी टू इट दैट एवरी स्टूडेंट इज एबल टू गिव एग्जामिनेशन इन हिज लैंग्वेज. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इट. दैट इज व्हाट वी आर एंड दैट इज वी आर गोइंग टू डू. सो द लैंग्वेज इशू, द फीस इशू एंड द स्टेबलाइजेशन ऑफ सिलेबस, इन तीनों चीजों को हम लोगों ने ध्यान में रख करके हमने इसको कार्य करने का प्रयास किया है. कुछ बहुत चर्चा एमसीआई के बारे में हुई है, वो एमसीआई का इससे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एमसीआई पर एक कमिटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी. दैट इज नाउ एट द फाइनल स्टेज. रिकमेंडेशंस हैव कम फ्रॉम द स्टैंडिंग कमिटी आल्सो. वी हैव टेकन दैट आल्सो इनटू कंसीडरेशन एंड स्टेक होल्डर्स हैव बीन कॉल्ड एंड ऑलमोस्ट एक जिसको कहते हैं कि उसकी कमिटी की रिपोर्ट तैयार हो रही है. अकॉर्डिंगली वी विल गो फॉरवर्ड. We have the concern, as your concern is there, we take the concern into cognizance and accordingly steps will be taken. That is what I would like to assure you. जहां तक MCI का सवाल है, इसलिए मुझे लगता है कि आज जो हमने करने का प्रयास किया है इस बिल के माध्यम से, वो एक तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नीट को देने का प्रयास किया है, डेंटल स्टूडेंट्स को और मेडिकल एग्जामिनेशन को. दूसरा स्टैट्यूटरी स्टेटस देने का तय किया है, और दूसरा ये कि इसमें 2016-17 में जो लोग एग्जामिनेशन के प्रोसेस में चल रहे थे उनको करने का प्रयास किया. मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो आपके कंसर्न्स थे इस एग्जामिनेशन के साथ साथ उसको क्लियर करने की कोशिश की है. आप सबका मुझे समर्थन मिलेगा. मैंने कहा था मैं कम शब्दों में इस बात को रखूंगा, रखने का प्रयास किया. प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र.